हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेट्स लाइफस्टाइल। तो टाइटल को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो जो है वो लिविंग एरिया मेकओवर होने वाला है और इस मेकओवर को मैंने थोड़ा सा विंटेज टच देने का कोशिश किया है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो आई एम नीता। मैं इस चैनल पे DIY एंड होम डेकोर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और कुछ मंथ्स पहले मैं एक न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ, इसी वजह से मेकओवर का जो सिलसिला है अभी मेरे चैनल पे लगातार आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस फ्लैट में मैंने शुरुआत जो है किचन मेकओवर से किया था और उस वीडियो को तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी आगे चल के आपको बेडरूम मेकओवर, बालकनी मेकओवर, बहुत सारे मेकओवर देखने को मिलेगा, तो बहुत सारी बातें भी हो गई, तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बिफोर लुक शेयर कर देती हूँ। तो बस इतना सा ही छोटा सा जगह है जहाँ हमें अपना लिविंग एरिया बनाना है और यहाँ पे एक शू रैक रखा हुआ है जो काफ़ी कन्वीनियंट है हमारे लिए, दरवाजे के पास है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम शू रैक के ऊपर वाले वॉल से करेंगे और इस वॉल पे मैं ये एक मिरर हैंग कर रही हूँ और ये मिरर मैंने लोकल मार्केट से लिया था। और लाइटनिंग के लिए मैं पेंडेंट लाइट को हैंग करवा रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे नीचे कोई कनेक्शन नहीं है तो हम कोई फ्लोर लैंप या टेबल लैंप वगैरह नहीं रख सकते हैं और ये लैंप लगने के बाद में काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद में हम इधर वाले वॉल पे ये एक बहुत ही खूबसूरत सा कैनवा वॉल आर्ट को हैंग करेंगे। तो चलिए अब हम शू रैक के कॉर्नर वाले एरिया को डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ये कॉर्नर स्टैंड को रखेंगे। और इस स्टैंड पे हम बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स को रखेंगे। तो ये एक लांटेन है लेकिन इसे मैं एज अ वास के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें हम कुछ फ्लावर्स रखेंगे। उसके बाद ये एक बहुत ही प्यारा सा डेकोर आइटम। और थोड़ी सी और लाइटनिंग ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं ये एक मून नाइट लैम्प को रख रही हूँ। और अब उसके नीचे मैं ये एक बहुत ही प्यारा सा कैटल को रख रही हूँ और ये कैटल सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है दिखने में। और नीचे मैं ये एक प्लांटर रख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करना है इसी वजह से। तो कॉर्नर एरिया को थोड़ा ग्रीनरी लुक देने के लिए हम सबसे पहले एक प्लांट स्टैंड को रखेंगे और इसमें हम ये आर्टिफिशियल प्लांट को रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ना मेरे लिविंग एरिया में सनलाइट की बहुत प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं आर्टिफिशियल प्लांट का यूज़ की हूँ। और यहाँ पे हमने ये 3 सीटर सोफ़ा को रखा है। हमारे लिए 3 सीटर एनाफ है तो हमने अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही लिया है। और शू रैक को हम यहीं पे रहने देंगे क्योंकि काफ़ी कन्वीनियंट है हमारे लिए। तो चलिए अब इसका ऊपर वाले पार्ट को डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले इस पे हम ये वाइट कलर का रनर को बिछाएंगे और रनर बिछाने के बाद में इसका लुक जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और अब इस पे भी हम कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे से डेकोरेटिव आइटम को रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पे ये एक बहुत ही एलिगेंट सा प्लांट स्टैंड को रख रही हूँ और उसके बाद हम बीच में ये बुद्धा जी के स्टैचू को रखेंगे। साथ साथ ये एक बहुत ही प्यारा सा सिरेमिक वास को ऐड करेंगे हम। इसमें हम ये बेबी ब्रीथ फ्लावर को रखेंगे और रखने के बाद में इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम ये एक छोटू सा क्यूट सा आउल को रखेंगे। तो अब बारी आती है कुशंस को रखने की। तो इस बार मैंने ना फ्लोरल प्रिंट कुशन कवर का यूज़ किया है और मुझे ना सोफ़ा पे ज़्यादा कुशंस रखना पसंद नहीं है क्योंकि बैठने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है और यहाँ बीच में हम ये थोड़ा डिफरेंट साइज़ के कुशन को ऐड करेंगे। अब हम कारपेट को बिछा देंगे और एक अच्छा कारपेट पूरे मेकओवर के लुक को ही बदल देता है। तो इस बार मैंने ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न में वाइट एंड ग्रे कलर के कारपेट को चूज़ किया है और इस पे हम ये कॉफ़ी टेबल को रखेंगे और इस तरीके का मॉडर्न लुक वाला कॉफ़ी टेबल बहुत अच्छा लगता है।
और इस पे मैं ट्रे वगैरह नहीं रखना चाहती हूँ, तो उसके जगह पे मैंने ये प्लेसमेंट का यूज़ किया है। लीफ पैटर्न में है ये। कॉफ़ी टेबल को मैं सिंपल ही रखना चाहूँगी, तो मैंने सिर्फ ये विंटेज स्टाइल जग को रखा है और इसमें हम ढेर सारे फ्लावर को रखेंगे। तो सारी चीज़ें एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो चलिए अब हम आपके साथ में इसका फाइनल रिवील करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी फर्नीचर आप देख रहे हैं, सिर्फ कॉफ़ी टेबल को छोड़ के बाकी के सारे फर्नीचर मैंने लोकल मार्केट से लिया है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में लिया है। कहाँ से लिया है और कितने में लिया है इसका सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पे, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप बाद में चेक कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपके साथ में बिफोर एंड आफ्टर लुक शेयर कर देती हूँ। तो चलिए अब बारी आती है नाइट लुक शेयर करने की। और हाँ, ये पेंडेंट लाइट जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अपने डाइनिंग एरिया मेकओवर में यूज़ किया था, तो मैंने वहाँ से हटा के इसे कॉर्नर एरिया में लगाया है। वहाँ पे मैं कुछ और लगाने का सोच रही हूँ। तो इस छोटे से जगह को मैंने बहुत ही प्यार से डेकोरेट किया है और वहाँ वॉल पे मिरर लगाने के कारण स्पेस जो है वो थोड़ा बड़ा लग रहा था। यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये आज का मेकओवर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको इस मेकओवर का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस मेकओवर में जो भी प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन यूज किया है, उन सब का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं अपने आने वाले वीडियोस के अपडेट एंड पिक्चर्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और अभी मेरे चैनल पे बहुत सारे मेकओवर वीडियो आने वाले हैं, और आपको अगर इस तरीके का वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ साथ आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय।